हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मैं आपको बहुत टाइम के बाद एक लोकेशन दिखाने आया हुआ हूं दोस्तों, जिसका नाम है मुकेश मील। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप एक मील देख रहे हो, उस जगह का नाम है मुकेश मील। ये काफ़ी फेमस मील है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मील को बन के करीब 160 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इसको बंद हो के करीब 50 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, करीब 30 से 32 साल पहले यहाँ पर दीवाना फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों, जो आप मेरे पीछे मील देख रहे हो, इसी मील के अंदर शाहरुख खान सर, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, दिव्या भारती जी और बहुत सारे लोग, करीब मुझे लगता है फिल्म को रिलीज़ होके 31 साल हो चुके हैं, तो ज़रूर 31 से 32 साल पहले वो लोग इसी मील में आए थे, इसी जगह पर आए थे और यहाँ पर उनका दीवाना फिल्म का लास्ट वाला सीन रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, वो टाइम पर दिव्या भारती जी की उम्र बहुत ही कम थी। वैसे तो वो बहुत कम उम्र में जा भी चुकी हैं, लेकिन वो टाइम पर उनकी एज करीब 17-18 साल की थी और उस फिल्म में उन्होंने इतनी कम उम्र में यहाँ पर वो किडनैपिंग वाला सीन किया था। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो किडनैप हुई रहती हैं। उनके पेट पर एक टाइमर बॉम्ब लगाया गया होता है, टाइम बॉम्ब जिसको बोलते हैं। उस में जो वो किडनैपिंग वाला सीन था, तो दोस्तों वो इसी मील का सीन था। यहीं पर 32 साल पहले वो मुकेश मील के अंदर दीवाना फिल्म के सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों, ये मील 1960 में इसमें आग लगी थी और ये मील बंद हो चुका था और फिर करीब 2 साल बाद इसमें फिर से चालू कर दिया गया था और फिर से इसमें आग लगी। उसके बाद ये कम्प्लीटली जल चुका था। जो ये आप ये मील को टूटा फूटा एक खंडर बना हुआ देख रहे हो दोस्तों, ये मील बहुत ही पुराना और बहुत ही हिस्ट्री क्रिएटेड किया हुआ है। न जाने वो टाइम पर कौन इसके अंदर था, कौन इसके बाहर था। कुल मिला के पूरा मील जल चुका था। उसके कुछ वक्त बाद, करीब 1970 के बाद, इसको बॉलीवुड वालों को दे दिया गया, जहां पर बॉलीवुड वाले अपनी हॉरर फिल्में शूट करते थे, जहां पर वो हॉरर स्टोरी, हॉरर मूवीज़ के लिए इसको दे दिया गया। लेकिन कुछ वक्त के बाद लोगों ने यहाँ पर फील करना चालू किया कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को फील होता है कि कोई तो पीपल का पेड़ है उधर, कि वहाँ पर कोई भूतों का साया है, वहाँ पर कोई आत्माओं का साया है। दोस्तों, मैंने किसी तो वेबसाइट्स पर पढ़ा है कि एक फिल्म की शूटिंग चली रही थी, उसी टीम की एक लड़की जिसको यहाँ पर कुछ तो असरात हो चुके थे और वो यहाँ से जाने के बाद में उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों, ये मुकेश मील आज हम आपको दीवाना फिल्म की शूटिंग लोकेशन के हिसाब से करीब 32 साल बाद आज हम आपको दिखाने पहुँचे हैं और बता रहे हैं कि मुंबई के कुलाबा में ये मील है, जो अभी कम्प्लीटली बंद हो चुका है, जहाँ पर अंदर जाना मना है, जहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं देती है। लेकिन ये मील वही है जहाँ पर एक दिन दिव्या भारती जी आई थी और उन्होंने अपनी फिल्म की यहाँ पर लास्ट वाला सीन रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, जिस वक्त ये फिल्मों के सीन यहाँ पर रिकॉर्ड होते थे, ये वो टाइम पर शूटिंग के लिए आना जाना चालू था। लोग यहाँ पर आते थे, फ़ोटो शूट करते थे, फिल्मों की शूटिंग होती थी, लेकिन अभी वो सब बंद हो चुका है। दोस्तों, बहुत सारे सीन में अगर आप विंडो चेक करोगे और बैकग्राउंड देखोगे, तो जो विंडो आप देख रहे हो, ये वही विंडो है जो आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हो। दोस्तों, मील फिल्म को बन के करीब 31-32 साल हो चुके हैं, तो और भी ज़्यादा टूट फूट चुका है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। लेकिन ये वो जो मील आप देख रहे हो दोस्तों, ये वही मील है। इसी मील में एक दिन दिव्या भारती जी आई थी और उन्होंने अपने फिल्म के बहुत सारे यहाँ पर सीन रिकॉर्ड किए थे। दोस्तों, ये वही मील है जहाँ पर दिव्या भारती जी ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आई थी और उनको बांध दिया गया था,
उनको किडनैप किया गया था अमरीश पुरी सर की तरफ से, वो अमरीश पुरी उसमें विलन दिखाए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वो मील, आज हम उस जगह को देख रहे हैं, उस लोकेशन को देख रहे हैं जहाँ पर दिव्या भारती जी आई थी, और न जाने उन्होंने इस मील में कहाँ कहाँ पर वो रुकी हों, कहाँ पर बैठी हों, कहाँ पर चली हों, लेकिन ये मील आज भी है। लेकिन दिव्या भारती जी, ऋषि कपूर जी, अमरीश पुरी जी, ये सारे लोग इस दुनिया को सब छोड़ के जा चुके हैं, और एक दिन इस दुनिया को सब लोगों को छोड़ के जाना है दोस्तों। लेकिन कुछ यादें, कुछ मेमोरीज़ हमेशा के लिए रह जाती हैं। आप लोग भी ये वीडियो देखेंगे, ये मील देख के आपको याद आएगी कि ये वही मील है जहां पर दीवाना फिल्म की शूटिंग हुई थी, ये वही मील है जहां पर बांध दिया गया था दिव्या भारती जी के ऊपर बम, जहाँ पर ऋषि कपूर सर और अमरीश पुरी जी दोनों की डेथ होते हुए दिखाया है, जहाँ पर बहुत सारे फाइटिंग के सीन इसकी छत से लिए गए थे, और बैकग्राउंड में ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये समंदर दिखता है और ये नाव चलती हुई दिखती हैं। अभी भी यहाँ पर काफ़ी नाव हैं जो देखने के लिए मिल रही हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग चले गए हैं, बहुत सारे लोग नए हैं। मतलब करीब 170 साल पहले इस मील को बनाया गया था दोस्तों, 170 साल पहले की इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हो, लेकिन आज के टाइम पर एक मुंबई की नहीं पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हॉन्टेड प्लेस में से इसका एक नाम आता है। जब भी हॉन्टेड प्लेस का जिक्र होता है तो इस जगह का नाम आता है। कहा जाता है कि लोग इसके आजू बाजू भटकने से भी डरते हैं, दिन के उजाले में भी यहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार का, बहुत सारे टीवी सीरियल एक्टर का, जिन लोगों ने भी यहाँ पर काम किया है, उनका कहना है कि उन्होंने फील किया है कि यहाँ पर आत्माओं का निवास है। दोस्तों उनका कहना है कि मील के अंदर एक चिमनी है, और चिमनी के बाजू में एक पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के पास बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, लोगों ने यहाँ पर फील किया है दोस्तों। लेकिन मैं तो इस मील के अंदर जाना चाहता था, दिन के उजाले में ही जाना चाहता था, मैं तो डर भी नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर दिव्या भारती जो आई थी एक टाइम पर, मैं चाहता था कि वो लोकेशन, वो जहाँ पर बंधी हुई थी, जहाँ पर वो उनको बांध दिया गया था कुछ इस हिसाब से, वो लोकेशन, वो जगह मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन मुझे तो जाने ही नहीं दिया गया भाई। मैं तो जाने के लिए तैयार था उस हॉन्टेड प्लेस में, जैसे ही मैं गेट पर गया उन लोगों से मेरी और बहस हो गई, किसी ने अंदर जाने ही नहीं दिया दोस्तों। मैं क्या करता, मैं तो चले जाता अंदर, फिर मैं यहाँ से आके आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ जिसको एक डरावनी जगह का रुतबा दिया गया है दोस्तों। दोस्तों मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला था कि बेटा मील के अंदर नहीं जाना, मैंने उनको बोला था कि मैं किसी बोट वाले से बात करके पीछे से चले जाऊंगा। आदिल भाई 1852 में ये मील बना था, और उसके बाद ये अच्छा खासा चल रहा था। जिस वक्त ये मील चल रहा था वो टाइम पर मुंबई का नाम पूरी दुनिया में फेमस था कपड़ों के, यहाँ पर कपड़े बनाए जाते थे। करीब 1970 में बहुत सालों बाद यहाँ पर एक आग लगी, जिस आग में ये मील जल चुका था। लेकिन 2 साल बाद मील बंद रहने के बाद में इसकी रिपेयर की जा चुकी थी, फिर से यहाँ पर काम चालू हो चुका था। लेकिन कुछ वक्त जैसे ही गुजरा, इस मील में फिर से एक आग लगी, और वो आग ऐसी भयंकर लगी कि पूरा मील जलकर राख हो चुका था, मील का हर एक हिस्सा जल चुका था। आप जो ये मील देख रहे हो दोस्तों, इसकी दीवारें एक दिन आग में झुलसी है, एक दिन आग से घिरी हुई थी ये दीवारें। चलिए दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो दिव्या भारती जी से जुड़ी हुई थी, जिसको मैं हमेशा बनाना चाहता हूँ, मैं हर वो एक अलग अलग लोकेशन ढूंढता हूँ जहाँ पर दिव्या भारती जी गई हों, जहाँ पर दिव्या जी भारती जी बैठी हों, या जहाँ से उनका कोई भी कनेक्शन हो। दोस्तों ये जगह है मुंबई के कुलाबा में, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आप मुंबई के चर्चगेट स्टेशन से यहाँ पर टैक्सी करके आराम से आ सकते हो। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी और कोई मूवी का शूटिंग लोकेशन देखना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग दिव्या भारती जी का घर देखना चाहते हैं, वो विंडो देखना चाहते हैं, वो किचन देखना चाहते हैं जहाँ से वो गिरी थी, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अभी तक मेरी कोशिश सक्सेस नहीं हुई है। लेकिन मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है एक दिन शायद मैं वो आपको दिखा पाऊँ। दोस्तों और भी बहुत सारी उनकी मूवीज़ हैं जहाँ पर उनके अलग अलग सीन रिकॉर्ड हुए थे, मैं सब ढूंढ
ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग आप में से कमेंट कर रहे हैं लेकिन मैंने उनकी अभी तक वीडियो नहीं बनाई है। दोस्तों आप समझना, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं आपकी बोली हुई वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों आपके नाम के साथ में, आपके कमेंट के साथ में, जो आपकी हमेशा की मेमोरी आपकी मेरे चैनल से जुड़ जाए, आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, जब आप मुझे भाई बोलते हो, जब मैं आपको भाई बोलता हूँ। दोस्तों दुनिया में यार एक रिलेशन होता है, दोस्ती से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं होता है। चलिए दोस्तों आज इस जगह से मैं अपनी वीडियो को फिनिश करता हूँ और फिर मिलेंगे आपको किसी और एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों और हमेशा खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ गाइस। लव यू ऑल द बेस्ट।